Hey people, how are you? I hope that you guys are doing well. So in this video, we are going to learn something about magnetic effect of electric current. ये चीज़ बहुत important है. Rather, हमने पहले क्लास में क्या electricity पढ़ लिया था. Electricity, again, I want to revise कि हमने क्या क्या किया है. Optics पढ़ लिया है हमने. Optics, फिर उसके बाद हमने ray optics ना, वो हो गया है. Force, laws of motion हो गया है हमारा. Laws of motion, फिर उसके बाद और क्या क्या हुआ है हमारा. डिस्पर्जन वो सब हो गया है. फिर वर्क पावर एंड एनर्जी ये भी हो गया, राइट. सो फिर ये सारी चीज़ और थोड़े से केमिस्ट्री के पार्ट हुए थे, ठीक है. जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फिर उसके बाद मैटर, ठीक है. मैटर पहले हुआ था, फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम हुआ था, फिर उसके बाद एलिमेंट मिक्सचर एंड कंपाउंड हो गया था, और थोड़ी बहुत मैंने पीरियोडिक टेबल के बारे में बता दी थी, ठीक है. पीरियोडिक टेबल के बारे में बता दिया था. गाइज, आपको इस प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ मिल जाएगी, ठीक है. सारी चीज़ मिल जाएगी, मतलब फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री दोनों मिल जाएगी. शफल्ड में भी हो सकती है, क्या पता बाद में मैं फिजिक्स के पहले सारे चैप्टर कर लूँ एंड देन उसके बाद केमिस्ट्री डालूँ. सो इन अ नटशेल आपको सारी चीज मिल जाएगी, ठीक है. सो डेफिनेटली हम मैग्नेटिज्म के बाद साउंड एक चैप्टर है, उसके बाद फिजिक्स खत्म हो जाएगा. डोंट वरी अबाउट दैट. नाउ लुक, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेट. मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए मैग्नेट क्या होता है. नाउ मैग्नेट इज अ मटेरियल और ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड. नाउ व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? The magnetic field is invisible but is responsible for most notable property of a magnet. A force that pulls on the other ferromagnetic materials such as iron, steel, nickel, cobalt and attracts or repels the other magnet. मतलब देखो क्या है कि कोई भी अगर ये सपोज ये बार मैग्नेट है आपका, ठीक है, बार शेप में है तो इसको हम बार मैग्नेट बोलेंगे, ठीक है. नॉर्थ और साउथ दोनों में नॉर्थ और साउथ पोल होता है हर बार मैग्नेट में. इफ आई प्लेस अ आयरन नेल, कील जो बोलते हैं ना, आयरन नेल अगर मैंने वहां प्लेस किया तो क्या होगा कि ये इसको अट्रैक्ट करेगा डेफिनेटली, ठीक है. अट्रैक्ट कर रहा है वो, फाइन, वो तो बात है, ठीक है, चलो अट्रैक्ट करेगा. सो कोई भी मेटल है वो अट्रैक्ट कर रहा है ना. क्यों कर रहा है? क्योंकि जो मैग्नेट है वो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, जो नॉर्थ से निकल के साउथ में आता है और अंदर साउथ से नॉर्थ जाता है, ठीक है. सो ये चीज है, जब तक ये करता है तो नाउ दीज मैग्नेटिक फील्ड, दीज आर मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है. नाउ दीज आर मैग्नेटिक फील्ड्स. नाउ व्हाट डू दे कंसिस्ट ऑफ? कंसिस्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल. अ मैग्नेट इज ऑलवेज बाईपोलर, मतलब दो पोल्स होते हैं, विद पोल्स नेम नॉर्थ एंड साउथ पोल. दीज टू पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट टूगेदर एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड. नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज द साइड विच पॉइंट्स द अर्थ ज्योग्राफिक नॉर्थ व्हेन इट इज फ्रीली सस्पेंडेड. आपने कंपास देखा है जो डायरेक्शन देता है, उसमें एक ही होता है ना, एक नॉर्थ होता है और दूसरा हम एज्यूम करते हैं नॉर्थ जो है वो रेड कलर का होता है, राइट. सो दैट इज ऑफ रेड कलर. सो वो रेड कलर इंडिकेट करता है कि नॉर्थ का है, उसके हिसाब से भी साउथ हम डिफाइन करते हैं जस्ट उसके ऑपोजिट, और वेस्ट अपना यहाँ पर और ईस्ट अपना यहाँ पर, हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है. सो कहीं पर भी घूमो, नॉर्थ कभी भी उल्टा आगे पीछे कभी नहीं होने वाला, वो सेम डायरेक्शन होगा, आप कैसे भी कंपास घुमा लो, ठीक है. सो नाउ लाइक पोल रिपल एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट्स. डेफिनेटली कंसिडर मेल एंड फीमेल. नाउ मेल एंड फीमेल विल डेफिनेटली अट्रैक्ट ईच अदर, राइट. That's why they marry. And male. I'm just trying to give you example, guys. Don't go to LGBT kind of stuffs. But male and male will always try to repel each other. So now these are like charges. अगर आप बोलोगे तो like charges will always repel each other. Repel. And unlike charges always oppose. और अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट, सॉरी रादर अट्रैक्ट्स, ठीक है. सो वो चीज है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बार मैग्नेट? क्या होता है? अब बार मैग्नेट इज अ रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ, ठीक है. आपने देखा होगा बार मैग्नेट जिसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है. कंपोज्ड ऑफ आयरन, स्टील और एनी फॉर्म ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस दैट शो अ परमानेंट मैग्नेट प्रॉपर्टी. नाउ परमानेंट मैग्नेटिक मतलब ये अगर आपने चुंबक जो बोलते हैं ना, सो मैग्नेट
आपने अगर आपके पास होगा तो, जो आप अगर कोई कार टॉय वगैरह वहीं से निकाला होगा, तो दैट इज परमानेंट मैग्नेट. नाउ व्हाट इज आर्टिफिशियल, और देयर इज नो वर्ड सच एज आर्टिफिशियल, बट वी आर गोइंग टू मेक इन द लेटर स्लाइड्स अ मैग्नेट विथ हेल्प ऑफ आयरन बार. आयरन बार, फाइन. सो वो चीज हम बनाने वाले हैं थोड़ी देर में, फाइन. नाउ When suspended freely, the North Pole aligns itself towards the geographic north of the pole. ठीक है, it has two different pole, a north and the south pole. When suspended freely, the North Pole aligns itself towards the geographic north pole of the Earth. ठीक है, so now what is magnetic field? Magnetic field is the thing which is produced. वही बोला ना, देखो north से निकल के south में बैठ रहा है. ठीक है, The region around a magnet where its magnetic influence can be experienced is called as magnetic field. For example, if this is the magnet, ठीक है, magnet है, ठीक है, और मैं इसको यहाँ पर रखूँ कोई iron nail, definitely it is not going to attract it. Now why it is not going to attract? Because the यहाँ पर ना उसकी magnetic field यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही. Definitely, if I place the iron magnetic or if I place the iron nail over here. ठीक है, सो डेफिनेटली वो अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये इसके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए, फाइन. सो वही चीज है, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती है बाहर से, और साउथ से नॉर्थ आती है अंदर से. ठीक है, देखो नॉर्थ से जा रही है ना बाहर, नॉर्थ से जा रही है, नॉर्थ से. ठीक है, और प्रॉपर्टीज देखेंगे, प्रॉपर्टीज क्या क्या है. देखो आयरन फिलिंग्स टेस्ट अराउंड अ मैग्नेटिक बार, ये देखो ये छोटे छोटे आयरन फिलिंग्स है, और मैंने उसको ऐसे डाल दिया और बीच में मैंने प्लेस कर दिया है मैग्नेट. तो ये देखो कैसे यहां से निकल रहा है, ठीक है, यहां से निकल रहा है और यहां पर आ रहा है. ठीक है, सो ये सारी चीज है. नाउ वन क्वेश्चन माइट कम टू योर माइंड इज, अगर मैं नॉर्थ एंड ये साउथ, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ है, ये कभी भी अपार्ट नहीं हो सकता. अगर मैंने इसको ब्रेक किया यहां से तो क्या होगा, मेरा दो पार्ट आ जाएंगे, एक ये पार्ट हो जाएगा और एक ये पार्ट हो जाएगा, राइट. सो इसमें भी यहां पर एक नॉर्थ होगा और एक साउथ होगा, इसमें भी यहां पर नॉर्थ होगा साउथ होगा. ठीक है, देयर विल बी नो मैग्नेट विथ ओनली वन पोल दैट इज नॉर्थ, और देयर विल बी नो मैग्नेट विथ ओनली वन पोल दैट इज साउथ. दे बोथ विल बी देयर, क्योंकि कोई भी मैग्नेट हो, कोई भी बार जैसा हो, इट विल हैव टू एंड्स डेफिनेटली, तो नॉर्थ एंड द साउथ, फाइन. दैट्स द पॉइंट. नाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टीज, magnets magnetic field lines result in the formation of continuous running closed loop. Now closed loop hai na, closed loop hai, to ye closed hi loop rehne wala hai, closed hi rehne wala hamesha. The tangent to the field line at given point indicates the direction of the total magnetic field at that point. The greater the number of field lines crossing per unit area, the higher the intensity. Jitna field line zyada hoga utni uski मैग्नेटिज्म ज्यादा होगी उसकी, फाइन. सो वो चीज है. मैग्नीट्यूड द स्ट्रॉन्गर द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज नो इंटरसेक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन. दो नो टू लाइंस आर डेफिनेटली गोइंग टू इंटरसेक्ट. नाउ यहां पर मैं बना रहा हूं इसलिए इंटरसेक्ट हो रहा है, लेकिन सारे के बीच में कभी कोई भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाला है, समझ में आया. तो ये पॉइंट है. नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर. नाउ अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे परमानेंट मैग्नेटिक बारे में, परमानेंट मैग्नेट के बारे में. ठीक है, सो अभी हम ना आई कैनॉट कॉल इट आर्टिफिशियल, बट वी आर गोइंग टू मेक अ मैग्नेट बाय वॉट करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब किसी चीज से भी बनाएंगे. नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर. ओस्टेड एक्सपेरिमेंट. नाउ ओस्टेड एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, अब देखते हैं वो क्या एक्सपेरिमेंट है. व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ करंट कैरिंग कंडक्टर. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टर, आई होप यू नो. ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टर, विच ऑफर्स द वेरी मिनिमम रेजिस्टेंस फॉर द करंट चार्जेस टू फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. नाउ व्हाट इज इंसुलेटर, बाहर, मतलब विच अपोजेस द चार्ज ऑफ फ्लो. इसलिए आप कोई भी वायर देखते हो तो बाहर एक कवरिंग होती है, जो कवरिंग इज कॉल्ड एज इंसुलेटर, और अंदर की जो तारे होती है उसको कंडक्टर बोलते हैं, जहां से चार्जेस पास करती हैं. फाइन, दैट्स द पॉइंट. नाउ इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, दिस कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेटिक नीडल विच शोज डिफ्लेक्शन. नाउ ये देखो, नाउ ये स्विच है, करंट नहीं पास हो रही है, ठीक है, और ये अपना मैग्नेट है, और रादर नॉर्थ साउथ पोल का ये कंपास है. नाउ द मोमेंट व्हेन आई स्टार्ट गिविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और जो क्लोज लूप कर दिया, देखो यहां से
ये इस डायरेक्शन में शो कर रहा है अपनी डायरेक्शन, ठीक है। नाउ जैसी पोलैरिटी मैंने चेंज कर दी तो ये इधर से इधर मूव होने लग जाएगा, मतलब इधर जान लग जाएगा, ठीक है। सो डिपेंडिंग कहां पर नॉर्थ है कहां पर साउथ है वो उधर जान लग जाएगा, फाइन। सो दैट्स द पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, अभी कौन सा था, ये लूप था, राइट, ये लूप था, अभी क्या है, स्ट्रेट, स्ट्रेट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, व्हेन करंट इज पास थ्रू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट यूजिंग द आयरन फिलिंग, वी कैन ऑब्जर्व दैट द अलाइनमेंट अलाइन देमसेल्फ इन अ कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक मतलब सिंगल सेंटर, सिंगल सेंटर अराउंड द कंडक्टर। नाउ हाउ इट इज गिवन, बाय राइट हैंड थंब रूल। नाउ व्हेन यू प्लेस योर थंब अबव विच विल गिव यू द करंट डायरेक्शन, नाउ the magnetic field will be in this direction, ऐसा, ठीक है। सो ये देख रहे होंगे आप ऐसे, फाइन, दैट्स द पॉइंट विच इट इज ट्राइंग टू मेक। नाउ व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल, विच आई टोल्ड यू कि व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। इफ अ स्ट्रेट करंट इज हेल्ड इन द राइट हैंड इन सच वे दैट द थंब पॉइंट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन द टिप्स ऑफ द फिंगर और द कर्ल्स ऑफ द फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। देखो करंट अगर ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, करंट अगर नीचे जा रहा है तो थंब भी मैं नीचे ही करूंगा, राइट। सो थंब भी ऐसे ही कुछ होगा, ऐसे कुछ तो होगा थंब, तो करंट कैसे जाएगा, मतलब फील्ड कैसी होगी, ऐसी होगी, ठीक है, समझ में। सिंपल सी चीज है, कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप, ठीक है। सर्कुलर लूप में क्या होता है, सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड सोच रहे हम, ठीक है। हमने इसमें क्या किया था, हमने इसमें ये तो हो गया, ठीक है, ये देखो इसमें क्या किया था हमने, ये यहां पर हम देख रहे थे कि कहां पर नॉर्थ आता है, मतलब साइन शो करता है कि नहीं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कहां शो करता है। सो दैट्स द पॉइंट। नाउ यहां पर क्या है कि मैग्नेटिक लाइंस और फोर्स कंडक्टर, ना यहां से करंट फ्लो हो रहा है और यहां से नीचे आ रहा है, तो ये देखो लाइंस चेंज हो रही है, ठीक है। सो अगर आप थंब ऊपर ऊपर करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर जो है इस डायरेक्शन में कर रही है, ठीक है। सिमिलरली उसका अगर करंट नीचे फ्लो हो रहा है तो ये इसको उल्टा करेंगे ऐसा, ठीक है। सो वही चीज है, वही बात है, ठीक है, सिंपल। वही चीज को मैंने एक एक स्ट्रेट वायर है उसको मोड़ दिया मैंने बस, ठीक है। तो यहां से जा रहा है यहां से आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज होगा, राइट, डेफिनेटली, दैट्स द पॉइंट। नाउ व्हाट इज सोलेनोइड, सोलेनोइड इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, सो रिमेंबर इट कि व्हाट इज सोलेनोइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनोइड, अ सोलेनोइड इज अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर वाइंडिंग रैप्ड इन अ शेप ऑफ सिलेंडर लाइक स्प्रिंग, स्प्रिंग, ठीक है। When current is passed through it, it behaves like a bar magnet, producing a very similar field pattern as that of a bar magnet. To increase the strength of a soft iron core, to increase the strength, a soft iron core is used. ठीक है, comma लगा। Now एक bar है, iron bar है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने windings कर दी और इस पर मैंने current pass करवा दी। तो this bar, this जो अंदर की चीज है ना, ये जो iron bar है, ये it will act as a magnet. ठीक है, डेफिनेटली। नाउ आई एम ट्राइंग टू प्रोड्यूस, अ मैग्नेट, राइट, आई एम ट्राइंग टू प्रोड्यूस अ मैग्नेट, दैट्स द पॉइंट। नाउ व्हाट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, गाइस ध्यान से सुनना, इस पर बहुत क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है, इवन इन सीडीएस, सीडीएस में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। गाइज इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करो यार, शेयर करो टू ऑल दोज पीपल हु आर ट्राइंग टू वर्क ऑन इट। नाउ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल स्ट्रेट बताऊंगा, कोई कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं करूंगा, सीधे चीज बताऊंगा, वो याद रखना। लेफ्ट हैंड को अगर तीनों चीज अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर में डालोगे, थंब ये और ये, ठीक है। सो देखो ये इससे परपेंडिकुलर है, ये इससे परपेंडिकुलर है और ये दोनों भी परपेंडिकुलर होंगे, तो थंब विल गिव यू द फोर्स, फोर फिंगर विल गिव यू द फील्ड एंड मिडिल फिंगर विल गिव यू द करंट, ठीक है। सो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि सेम थंब अगर मोशन दे रहा है आपको, सॉरी थंब अलग है यहां पर, फोर फिंगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है और करंट आपकी दे रहा है मिडिल फिंगर, तो आपकी थंब देगा मोशन। नाउ डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन विच इज रिक्वायरमेंट, आप लेफ्ट हैंड या राइट हैंड लगा सकते हो। डिफरेंस क्या है थंब का, देयर इज ओनली डिफरेंस, वन डिफरेंस कॉल्ड इज थंब, ठीक है। यहां पर भी फील्ड है, यहां पर भी फील्ड है, लेकिन लेकिन यहां जो करंट इन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल होता है, जो राइट हैंड रूल होता है, वहां पर जो करंट होता है वो इंड्यूस्ड करंट होता है। नाउ व्हाट इज इंड्यूस्ड करंट, आई एम going to tell you in a little time.
ना इलेक्ट्रिक मोटर, ना व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर, देखो सो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको जहां यूज करना है आप अपने हिसाब से यूज करेंगे, ठीक है। अभी देखो इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी लेती है, उससे मैकेनिकल एनर्जी मारती है, मैकेनिकल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल अभी बजट अगर आपने देखा होगा, बजट 2021, सो भारत सरकार ने बहुत सारा पैसा ईवीज पे दिया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे दिया है, इसलिए टेस्ला फिर हुंडई होंडा सो जो भी है, सुजुकी मारुति सुजुकी जो भी ये मोटर्स है, ये सब दे ऑल आर वर्किंग टूवर्ड्स दी इलेक्ट्रिक करंट। इवन दी हाई एंड बाइक्स लाइक हार्ले डेविडसन या फिर जावा या फिर रॉयल एनफील्ड, तो दीज ऑल आर नॉट रॉयल एनफील्ड, दीज ऑल आर वर्किंग इन ईवीज ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ना व्हाट इज द कॉन्सेप्ट इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ना पहले क्या होता था, हम इंटरनल कंबस्टन इंजन में गाड़ी चलती थी, मतलब एक पिस्टन होता था, एक ऊपर नीचे होता था, उससे हम इंजन पे कनेक्ट कर, इंजन की जो पावर है वो पिस्टन से शाफ्ट के थ्रू व्हील को दे दी जाती थी, तो पिस्टन ऊपर नीचे करता तब जाके व्हील घूमती थी, फाइन आप इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या होगा कि ये पिस्टन के जगह पे आप इलेक्ट्रिक इंड्यूस कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर, मतलब प्रोड्यूस नहीं, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज बैटरी प्रोड्यूस कर देंगे, प्रोड्यूस नहीं प्लेस कर देंगे राधा, एंड देन उससे जो है व्हील अटैच होगा एंड देन इट विल मेक इट रोटेट, फाइन। सो दैट्स द थिंग। नाउ दिस इज द वर्किंग, करंट एंटर्स थ्रू द आर्म। नाउ दिस इज द डायग्राम गाइस, ध्यान से देखना इसमें, ठीक है, ध्यान से देखना, मैं सारी चीज बताऊंगा इसमें, देखना। नाउ दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। नाउ गाइस, मैं विद दिस बैटरी आई एम गोइंग टू रोटेट ए बी सी डी, आई एम गोइंग टू रोटेट ए बी सी डी। नाउ करंट यहां से जाएगा डेफिनेटली। नाउ एट दिस टाइम ट्राई टू अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो करंट ऊपर जा रहा है तो मिडिल फिंगर मेरी ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में देगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, क्योंकि साउथ पोल मतलब यहां पर है साउथ पोल और यहां नॉर्थ पोल। नाउ डोंट से कि यहां पर सिर्फ साउथ है नॉर्थ का है, तो इसका नॉर्थ यहां पर है, इसका साउथ यहां पर है, और इसका नॉर्थ यहां पर है, इसका साउथ यहां पर है, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। सो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है तो फोर्स किस तरफ, बाहर की तरफ देगा, मतलब ए और बी ऊपर की तरफ आएगा साइमल्टेनियसली। ना करंट सिर्फ इधर नहीं फ्लो हो रहा ना, यहां पर भी फ्लो हो रहा है, तो सिमिलरली उसका उल्टा, तो फोर्स जो है अंदर, तो मतलब ये ए और बी बाहर आएगा और सी और डी अंदर जाएगा, समझ में आया। तो इट विल रोटेट, ये पहले ए और बी वाला आर्म जो है ऊपर आएगा एंड सी और डी वाला आर्म है जो नीचे जाएगा। सिमिलरली इट विल रोटेट इन अ सीक्वेंस, ठीक है, इट विल नॉट कम अगेन। नाउ इलेक्ट्रिक जनरेटर, इज कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। दिस डिवाइस कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल विंडमिल आपने देखा होगा, या फिर डायनमो, ठीक है, जो आपके बाइक से कार में कनेक्टेड होता है, उससे हेडलाइट कनेक्टेड होती है, ठीक है, हेडलाइट अगर आपने देखा होगा, तो अगर आपकी स्प्लेंडर वगैरह है तो आप जितना तेज भगाएंगे स्प्लेंडर को उतनी ज़्यादा लाइट देती है, और जितना स्लो जाएंगे आप स्प्लेंडर से उतनी कम लाइट हेडलाइट देती है। सो व्हाट इज इट, बिकॉज यू आर गोइंग विद अ मच स्पीड, दैट्स व्हाई इट इज प्रोड्यूसिंग अ लार्ज फील्ड, मतलब लार्ज इंटेंसिटी ऑफ द हेडलाइट। So that's the point, that just was the example. Now operates on the principle of electromagnetic induction. AC generation. Now देखो ये working, देखो इसमें working क्या है कि with the help of the magnetic field produced by the north and the south pole over here, I will make this A B C D rotate. ठीक है, rotate. Now this I am doing it because of the magnetic field. इन विंड मिल व्हाट हैपेंस कि हवा जो है वो हवा करती है, और आप वाटर जो आप वाटर रिजर्वोयर होता है जो डैम्स के नीचे एक जनरेटर होता है, राइट, तो पानी यहां से गिरता है तो वो शाफ्ट रोटेट करता है, शाफ्ट से ये रोटेट होता है, ए बी सी डी रोटेट होता है, और वो चीज यहां कनेक्टेड होती है। सो विद दिस द इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक जो होता है और यह मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो कटता है, वो चेंज होता रहता है बार बार, सो इसलिए वो रोटेट करता है। रोटेट करने के बाद यहां से हम लोग ले लेते हैं जो भी अपने को चाहिए होता है, फाइन। सो इन अ नटशेल इट वाज अ स्मॉल एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आप गूगल कर सकते हैं, डेफिनेटली आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द मेन थिंग ओवर हियर। आफ्टर द हाफ रोटेशन अगेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन बोथ आर्म चेंजेस अगेन बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। नाउ यहां देखो, यहां मैं करंट प्रोड्यूस कर रहा हूं, करंट प्रोड्यूस हो रहा है, करंट इज प्रोड्यूस्ड। नाउ दैट करंट विल बी कॉल्ड एज इंड्यूस्ड करंट,
इंड्यूस्ड करंट। आई जस्ट टोल्ड यू कि वो थोड़े दो तीन स्लाइड पहले मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज इंड्यूस्ड करंट, मैं बताऊंगा। सो दिस इज इट, दिस इज इंड्यूस्ड करंट वेयर आई एम प्रोड्यूसिंग अ करंट, प्रोड्यूसिंग अ करंट। सो यहां पर मैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाऊंगा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, फाइन। सो दैट्स द पॉइंट, ठीक है। नाउ अलोंग डायरेक्शन डीसी एंड बीए, आप ये डीसी, नाउ व्हाट इज डीसी जनरेशन ऑन एंड व्हाट इज एसी जनरेशन। नाउ डीसी में एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है और एसी में फ्लक्चुएट होता है, ठीक है। सो ये बात आप देख लेना, पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नाउ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, लाइन वायर हैज द वोल्टेज 220 वोल्ट, आपके घर पे 220 वोल्ट का आपको करंट मिलता है, कवर्ड विद रेड इंसुलेशन। ये देखो लाइव वायर, यहीं से आपके ट्रांसफार्मर्स जो आपके घर के बाहर पड़ा रहता है ना, नॉट पड़ा रहता है, आपके घर के बाहर लगा रहता है, नॉट घर के बाहर, एक मेन सर्किट होती है केईबी टाइप, नॉट इलेक्ट्रिक बोर्ड टाइप, तो वहां से आता है आपका ये। और एक न्यूट्रल वायर होता है जो कि अर्थिंग भी बोल सकते हैं या फिर अर्थ वायर। न्यूट्रल वायर मतलब जिसमें वोल्ट जीरो वोल्ट रहता है, और अर्थ वायर जो कि ग्राउंड होता है, ठीक है। सो दैट्स द थिंग, अर्थ वायर हैज द वोल्टेज जीरो वोल्ट सेम एज अर्थ एंड इज कवर्ड विद ग्रीन इंसुलेशन, द न्यूट्रल वायर हैज द ब्लैक इंसुलेशन। इन आवर हाउसेस वी रिसीव एसी इलेक्ट्रिक पावर ऑफ 220 वोल्ट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। नाउ ये याद रखना कि एक एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि हमारे हाउस होल्ड में कितने हर्ट्ज का ये मिलता है। नाउ आई वुड वॉन्ट यू टू सब्सक्राइब, नाउ व्हाई डू यू वॉन्ट टू सब्सक्राइब आई विल टेल यू गाइज, ठीक है। व्हाई डू यू वॉन्ट टू सब्सक्राइब बोथ द यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। नाउ क्यों सब्सक्राइब करना चाहिए मैं बताता हूँ आपको। नाउ आई एम प्रोवाइडिंग 4 questions, इंपॉर्टेंट questions एवरी डे इन द यूट्यूब में, कहाँ, कम्युनिटी पोस्ट पे आप जाके देख सकते हैं। कम्युनिटी पोस्ट पे ऑलरेडी 150 से 200 क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं वहां पर, मतलब हर रोज क्विज टाइप। और इंस्टाग्राम में हर रोज 3 पोस्ट जाते हैं, फर्स्ट GK, सेकेंड इंग्लिश या फिर नोट्स, हिस्ट्री के नोट्स फिलहाल, और फिर थर्ड आपकी जाती है मैथ्स, मैथ्स की, जो कि अभी ये सारी जो चीजें ये AFCAT में अपीयर्ड है, AFCAT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। सिमिलरली आई विल बी गोइंग फॉर NDA, CDS और फिर CAPF और सारी चीजें जो भी आपको नेसेसरी है, या फिर और कौन सी एग्जाम बचे, INET जो भी गवर्नमेंट एक वन डे का एग्जाम होता है, वो सारी चीजें, AFCAT सबसे मेन, ठीक है, AFCAT। सो ये सारी चीजें ना मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। सो विद दैट गाइज आई विल एंड दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। Have a good day. Bye-bye.